Hello student, good morning, welcome to my channel. So we'll start with a new topic, fluid dynamics. Okay, I have already posted 10 videos. Aaj 11th video hai aur chapter number 2 mein start kar rahi hu. Chapter number 1 mein humne kinematics ko bahut detail mein study kiya. ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें 4 वीडियोस में मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगी, क्योंकि इसमें से यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर उसको यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, और एक प्रेशर पे आता है बर्नौलीज इक्वेशन या प्रेशर इक्वेशन के नाम से, और उन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी. ठीक है, और आपको कोई और टॉपिक इसमें पढ़ना हो फ्लूइड डायनामिक्स में तो आप कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अर्जेंटली पढ़ना हो, कॉलेजेस बंद हैं और आपको कोई सी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो मैथमेटिक्स के, तो वो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. जो हमारा टॉपिक है वो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डायनामिकल इक्वेशन भी कहते हैं. ठीक है, यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आ जाता है यूजुअली. ठीक है, 10 मार्क्स तक आता है, तो अच्छे से समझिएगा. जैसा लिखा है आप ऐसे ही अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ. लेट अ क्लोज्ड सरफेस एस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड बी मूविंग विद द फ्लूइड सो दैट S contain the same number of fluid particles at any time t. Consider a point P inside S. Let rho be the fluid density, Q the fluid velocity, dV the elementary volume enclosing P. Okay, till here what they have said. ना क्या कहानी कहती, ध्यान से देखिएगा. हमने एक पेडलो पाइप लिया, यही हमने चैप्टर 1 में भी किया था, और यहाँ पे बहुत सारा पानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है. ठीक है, फ्लूइड. अब यहाँ पे कुछ, ये पूरी बॉडी है ना, इसका सरफेस एरिया है, तो इसके अंदर से जब पार्टिकल जाएंगे तो हमने कहा एक पार्टिकल पी पॉइंट पे है. ठीक है, पी पॉइंट पे पार्टिकल है, पार्टिकल पी पॉइंट पे है किसी टाइम टी पे. जो वॉल्यूम है इस पूरे पेंडो पाइप की वो कैपिटल वी है. अगर मैं पी पॉइंट के पास ना, तो स्मॉल सेक्शन की जो वॉल्यूम होगी वो डीवी जीरो होगी. ठीक है, या डीवी भी ले सकते हो. अब जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो, उसकी वेलोसिटी है क्यू, तो सरफेस एरिया ये कवर हुआ है इस पूरे पेंडो पाइप का वो है एस. ठीक है, इस पूरे पेंडो पाइप की वॉल्यूम है वी, फ्लूइड की डेंसिटी है रो, फ्लूइड की वेलोसिटी है क्यू. टाइम टेकन टी से शो करेंगे, अभी किसी पॉइंट पी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो यही कहा गया. अब इन्होंने कहा सिंस द मास रो डॉट डीवी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन. इन्होंने कहा जब मोशन हुआ यहाँ पे, मतलब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का, तो जो मास है वो अनचेंज रहा है. ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब डी एम बाई डी टी, एम आप स्मॉल एम से शो करिएगा, डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो गया. मास का फॉर्मूला आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बहुत बार बता चुकी हूँ, क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डी एम बाई डी टी, एम की जगह लिख दिया डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम. स्मॉल सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके स्मॉल से सरफेस एरिया की बात करें जहां से पार्टिकल जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी वी अन इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया जीरो. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगी. द एंटायर मोमेंटम ऑफ द वॉल्यूम इज, अब पूरी पेडलो पाइप का मोमेंटम कितना होगा. अब पूरे पेडलो पाइप का जब मोमेंटम फाइंड करते हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मास आपके पास ऑलरेडी है और वेलोसिटी भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो क्या है, रो डॉट डीवी इनटू वेलोसिटी हमें पता है क्यू है, तो ये तो आपका हो गया मोमेंटम. लेकिन एंटायर वॉल्यूम का निकालना है, सो दैट मींस वी विल टेक एन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम वी, तो रो डॉट डीवी इनटू क्यू. ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर एन एंटायर वॉल्यूम इज रिमेन सेम बिकॉज मास इज सेम. ओके, एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल मैं यहां पे लिखती हूं, इंटीग्रल ध्यान से देखिएगा, देखिए यहीं से आएगा डेरिवेशन, डी रो बाय डी टी, डी रो बाय डी टी इंटू क्यू इंटू डी वी प्लस डी, ये इंटीग्रल ही है. ठीक है, पूरा एक ही में ब्रैकेट भी मत लगाइए, प्लस डी क्यू बाय डी टी एंड रो डॉट डी वी, इंटीग्रल यहाँ पे क्लोज हुआ इक्वल टू जीरो. ठीक है, इस तरीके से ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली वैल्यू.
ठीक है, एंटायर मोमेंटम के लिए. अब इसमें से हमें पता था कि डी रो या मास, मास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है. तो यहां से ये वाली जो टर्म बनी है डी रो बाई डी टी, दैट मीन्स दिस डी रो बाई डी टी सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से. तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ये डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी क्यू बाई डी टी रो डॉट डी. ओके, अब यहां से देखिए क्या लिखा है. लेट एन बी द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस एलिमेंट डी एस. इस पाइप में जो सरफेस एरिया डी एस, इसमें एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाहर की साइड को, ऊपर की साइड को. सपोज एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एंड पी द प्रेशर एट ए पॉइंट. इसको स्मॉल पी दिया, कैपिटल पी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. ऑन द एलिमेंट डी एस टोटल सरफेस ए, टोटल सरफेस फोर्स इज, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस फोर्स. ठीक है, सो सरफेस फोर्स हमने कैसे निकाला, हमारे लिए टोटल सरफेस फोर्स के लिए एक तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एफ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस एक यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, प्रेशर एक्ट्स इनवर्ड नॉर्मल. ठीक है, प्रेशर एक्ट्स करेगा. सो प्रेशर है पी, पी इंटू माइनस एन, सो प्रेशर एक्ट करेगा इनवर्ड नॉर्मल के साथ, तो पी इंटू माइनस एन, एन इन स्मॉल सरफेस एरिया डी एस, सो ये बन जाएगा पी इंटू माइनस एन डी एस. ओके, प्लस यहाँ पे आपका एक फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो इसको मास इंटू एफ कर सकते हैं, सो रो इंटू डी वी इज मास इंटू एफ, सो ये यूनिट एक्सटर्नल फोर्स हो गया. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हम माइनस एन को, हमने आपको बताया था कि किसी भी बाउंड्री सरफेस एरिया में अगर एन यूनिट आउटवर्ड अप्लाई होता है तो एक ऐसे ही डेल्टा फोर्स भी अप्लाइड होता है ना, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में आई थिंक एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ ये वैल्यू बन जाएगी माइनस डेल रो डॉट डी वी. ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इंटीग्रल वी एफ पी माइनस डेल पी एंड ब्रैकेट क्लोज डी. फाइन, now by Newton's second law of motion, what we can say by Newton's second law of motion that total applied force is equals to the change of momentum. abhi apne find ki equation number this this one, this bottom one, theek hai na, ye wali, isko main maan leti hu 3 aur isko main maan leti hu 4, so 3 aur 4 ko aapko equate karna hai. theek hai, third and fourth ko aap equate karoge. So, जब आपने इन वैल्यूज को इक्वेट किया, यहाँ पे 2 एंड 3 लिखा है, एक्चुअली मार्किंग करना भूल गई, तो आप इसको 2, 3, 3, 4 जो भी मानना चाहे, समझना है सिर्फ आपको. ठीक है, आप लेंगे तो इस तरीके से इट विल कम इनसाइड द ब्रैकेट, क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई डी टी रो माइनस एफ रो प्लस डेल्टा पी और ब्रैकेट क्लोज एंड डी वी इक्वल टू जीरो. अब इंटीग्रल क्योंकि जीरो है तो वी कैन रिमूव द इंटीग्रल एंड वी कैन रिमूव दिस डेरिवेटिव ऑफ वी एज वेल. सो क्या वैल्यू बन जाएगी, डी क्यू रो और डी टी, डी क्यू बाई डी टी डॉट रो माइनस एफ क्यू एफ रो माइनस एफ रो प्लस डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये हम इसमें से रो कॉमन ले सकते हैं ना, तो रो कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी माइनस एफ प्लस डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. ओके, अब रो डिवाइडिंग बाय रो अगर करें तो क्या बन जाएगी वैल्यू, रो बाय रो कैंसिल, सो बन जाएगा डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी माइनस एफ प्लस वन अपॉन रो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. अब डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन रो डेल्टा पी. दिस इज योर डायनामिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, और यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन, क्लियर, दिस वी ऑब्टेन इट हियर लाइक दिस. आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू. इफ यू लाइक माई एफर्ट्स एंड माई एफर्ट्स आर हेल्पिंग यू, सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट से इन वीडियोज को जरूर शेयर करें. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.